22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुछ राम भक्त अयोध्या साइकिल से आ रहे हैं तो कोई पैदल ही अयोध्या चलकर आ रहा है। राम की भक्ति में ऐसी शक्ति है जिसे कुछ भी मिला तो समझो उसका कल्याण हो गया। राम को लेकर लोगों में इतना उत्साह है कि वो पैदल ही अयोध्या की ओर चल रहे हैं। लोगों का ये उत्साह देखते ही बन रहा है। ये मतलब और भी लोग जा रहे हैं तो उनको देख के थोड़ा बहुत मतलब हौसला मिला। और एक है कि मतलब हम लोग ट्रेन या बस से भी जा सकते थे, लेकिन हमें थोड़ा लोगों को बताना था कि मतलब 22 जनवरी को इतना बड़ा मतलब काम होने जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो उस दिन मतलब लोगों को एक मैसेज दे के जाना था कि 22 जनवरी को हर घर में एक एक जय श्री राम का झंडा लहरा है। उसके बाद उस दिन को हर कोई मतलब राम जी का पूजा वूजा करके अच्छे से सेलिब्रेट। इतना बड़ा मंदिर जो 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहे हैं, चाहते हैं कि असम में भी राम जी का अच्छी तरह से स्वागत हो, उसकी मतलब उद्घाटन के दिन को सभी असम वासियों को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करे। जी जी, हमारे तरफ से हम लोगों ने बताया मतलब असम में जो हमारे भाई भैया है कि उस दिन को मतलब आप जितना सको उतना मतलब जितने मंदिर है आपके तरफ से आप दिए जलाओ। उसके हमारा फर्स्ट टाइम फर्स्ट यात्रा है मतलब पैदल यात्रा, आज से पहले कैसे भी मतलब साइकिल से हो या कुछ भी हम लोग नहीं किया, हम लोग का फर्स्ट यात्रा। ऐसे ही दो राम भक्त असम से अपने आराध्य प्रभु राम से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े। असम से अयोध्या तक की इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें 2 महीने का समय लगा। इन दोनों राम भक्तों का कहना है कि वो पैदल अयोध्या इसलिए आए हैं जिससे उन्हें देखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर मंदिर बनाए जाने की ललक जगे। इस पैदल यात्रा में इन दोनों ने अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। अपने इस पैदल यात्रा के दौरान ये नौजवान लोगों को पर्यावरण बचाने का भी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं।